हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप SBI के कस्टमर हैं और आप योनो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे योनो एप्लीकेशन में जैसे ही MPIN अपना डालेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का एरर मिलेगा या फिर आपको कुछ इस तरह का एरर भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? जब तक इसको आप ठीक नहीं करेंगे, लॉगिन योनो एप्लीकेशन में आप नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको SBI लिख कर सर्च कर लेना है। कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर पर्सनल बैंकिंग में लॉग इन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू लॉग इन का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपना एक इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। नीचे जो कैप्चा है उसको फिल करेंगे। उसके बाद नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर देंगे। तो अब आपके रजिस्टर नंबर पे एक OTP रिसीव होगा। उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही OTP फिल करेंगे, सबमिट का नीचे ऑप्शन मिल जाता है। सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए, हम अपना OTP आ चुका है, हम अपना OTP यहाँ पर इंटर करते हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने लॉगिन पासवर्ड को चेंज करिए। तो अब आपको यहाँ पे एक नया पासवर्ड बनाना होगा। तो देखिए, ओल्ड पासवर्ड यहाँ डालना है नीचे। देखिए, ओल्ड पासवर्ड यहाँ डालना है। उसके बाद नीचे जो है नया पासवर्ड दो बार डालने का ऑप्शन मिल रहा है, उसको डालना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर नंबर पर फिर से एक OTP यहाँ पर रिसीव होगा। उस OTP को यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक पॉपअप आएगा कि डियर कस्टमर, योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुल। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक, फिर इस तरह का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको यहाँ से बाहर निकलना चाहे तो बाहर निकल जाए, या फिर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लें। उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन फिर मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। यूज़र नेम अपना डालेंगे, उसके बाद नया पासवर्ड जो आपने बनाया वो डालेंगे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर से एक OTP आएगा आपके रजिस्टर नंबर पे, उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप सक्सेसफुल अपने SBI के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद यहाँ पर सबमिट का नीचे ऑप्शन मिलता है। सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, हम अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं। पहले ये चीज़ नहीं आ रहा था। उसके बाद अब आप जाके अपना योनो एप्लीकेशन भी रजिस्टर कर सकते हैं।